अग्निवीर सैनिक बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान हुआ शहीद। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां नानपारा क्षेत्र के गुरघट्टा गांव निवासी सेना के जवान दिलीप कुमार निषाद पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। इसकी सूचना मिलते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। गुरघट्टा गांव में गमगीन माहौल हो गया। वहीं परिवार के लोग पार्थिव शरीर लाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। बता दें कि कोतवाली नानपारा क्षेत्र के गुरघट्टा गांव निवासी दिलीप कुमार निषाद उम्र 21 वर्ष पुत्र जमुना निषाद अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। अग्निवीर योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सेना में उन्हें तैनाती मिली हुई थी। जवान के भाई व बाबा ने बताया है कि इस समय जवान की तैनाती पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। यह दिलीप की तीसरी तैनाती थी। इससे पहले भी वह दो अन्य स्थानों पर तैनात रह चुके हैं। शहीद जवान के बाबा ने बताया है कि फोन पर उन्हें सूचना दी गई है कि जवान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं परिवार के अन्य लोगों ने बताया कि अभी फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शहीद जवान के भाई विनोद के साथ पिता और चाचा फ्लाइट से पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। वहीं जवान की शहादत पर लोग सोशल मीडिया पर शोक संवेदना जता रहे हैं। जवान दिलीप निषाद का अभी विवाह भी नहीं हुआ था। शहीद जवान दिलीप निषाद के बाबा ने बताया है कि वह हमेशा कहा करता था कि मुझे सेना में जाना है, मेरा जन्म देश के लिए हुआ है, मुझे देश के लिए सब करना है। हाँ, रात में 11 बजे यहाँ से निकल लो, अब जाएंगे वहाँ 12 बजे पहुँच गए लखनऊ। अब लखनऊ में 6 बजे ट्रेन है तो वहाँ पड़े रहे, तो 8 बजे वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ से जो सूचना है उसमें क्या बताया गया? अब वहाँ बताया, अब हम पूरी बात तो ना समझ पाई। सब लड़के लोग जाने जमुना, आपके लड़के हो? हाँ। तो जमुना के कई लड़के? 3 रहन और बिटिया दो। एक से शादी हुई है। ये बड़ा लड़का था? छोटा, सबसे छोटा। उसकी उम्र क्या थी? उम्र 21 लगा गए। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।